सब्जेक्टिव शीट नंबर 26 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड, ये लो ये एक फोर्स है एफ जो 10 केजी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी और कितनी देर के लिए काम करेगी फॉर 10 सेकेंड्स, ये लो, और ये बॉडी 10 सेकेंड के लिए हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, आफ्टर विच फोर्स सीजेज, फोर्स लगानी हमने बंद कर दी। तो यहां तक हमने फोर्स लगाई, उसके बाद हमने फोर्स बंद कर दी। फोर्स बंद करने के बाद मुझे सिर्फ ये बताएं क्या ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा कि नहीं करेगा। मैं फोर्स लगानी मैंने बंद कर दी, करेगा, पर मैंने तो फोर्स नहीं लगाई, फिर भी करेगा, क्यों? क्योंकि रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, ये बिल्कुल करेगा। लेकिन क्या जब ये आगे मूव करेगा कितने मीटर? 50 मीटर, और कितनी देर में? 5 सेकंड में। क्या ये एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, फिर कैसे मूव करेगा? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, बिल्कुल सही, क्योंकि क्योंकि फोर्स लगनी बंद हो गई, तो जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, यू इज इक्वल टू जीरो, इसने कोई वेलोसिटी एक्वायर की होगी यहां पर वी, जब आपने इस पर फोर्स लगाई, फोर्स लगनी तो बंद हो गई। अब ये मूव करेगा विथ सेम वेलोसिटी वी 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 एंड वी, क्योंकि फोर्स तो जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, रुकेगा तो है नहीं, तो ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। सिचुएशन क्लियर है? और क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बोलो फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं आपको एक्सेलरेशन बता दूं, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट? अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को इस पोर्शन में लगाना पड़ेगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और यू की वैल्यू जीरो है, एक्सेलरेशन निकालनी है, और टाइम कितना है? 10। तो अगर मैं आपको वी बता दूं, तो यहां से क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ए बता ए आ जाएगा, तो एफ की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब मेरा काम क्या है? वी निकालने का। वी निकालने के लिए ये पोर्शन देखें, इस पोर्शन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट। और काइनेमेटिक्स में जब वी कॉन्स्टेंट है, कौन सी इक्वेशन कैन बी अप्लाइड? एस इज इक्वल टू वी टी। तो डिस्टेंस हमें पता है कितना? 50। वेलोसिटी हमने निकालनी है, और टाइम कितना है? 5। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इस वेलोसिटी को यहां पुट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एक्सेलरेशन को यहां पुट कर देते हैं, तो किसकी वैल्यू आ गई? फोर्स की। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो आखिरी इंटरवल में वेलोसिटी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी, वहां से वेलोसिटी आ गई। इस पोर्शन में यू कैन अप्लाई वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की हेल्प से हमारे पास ए आ गया, और फिर इसकी हेल्प से एफ इज इक्वल टू एम ए से वी कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ फोर्स। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि कैसे करना है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, ध्यान आगे। तो कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन मास ऑफ 20 केजी। तो 20 केजी के ऊपर मैंने कौन सी फोर्स अप्लाई की? कॉन्स्टेंट फोर्स 50 न्यूटन अप्लाई की, जिससे कि 20 केजी का जो ब्लॉक है, जो इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, वो किस पे आ गया? रेस्ट पे, स्टॉप। स्टॉप का मतलब v इज इक्वल टू जीरो। तो कह रहे हाउ लॉन्ग, तो कितने समय में रेस्ट पे आया ये बताओ। तो मुझे सिर्फ पहले ये बताओ कि ये बॉडी कहां मूव कर रही है? आगे मूव कर रही है,
तो ये फोर्स कहाँ लग रही है 50 न्यूटन की, आगे कि पीछे? पीछे क्यों? रिटार्डिंग फोर्स है, ये रोकने की फोर्स है, और रोकने की फोर्स डायरेक्शन के साथ नहीं लगेगी, इसके पीछे लगेगी, कितनी? 50 न्यूटन। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये रोक रही है, रिटार्डिंग फोर्स है, तो ये मोशन के ऑपोजिट काम करेगी। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, टाइम बताना है, तो वी कैन अप्लाई वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो। इनिशियल क्या है? 15। एक्सेलरेशन नहीं पता, और टाइम कितना है निकालना। अगर मैं आपको ए बता दूं आंसर आ जाएगा, तो आप इस बॉडी के लिए क्या अप्लाई करेंगे? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो आप इसमें एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करें, फोर्स की वैल्यू बोलो कितनी है? 50। तो अगर मैं यहां 50 पुट करूं, मास 20, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। पर आप में से काफी लोग कहेंगे ये ए कैसे हो सकता है, या एक्सेलेरेशन कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर आपने एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव मान लिया तो आपकी स्पीड तो बढ़ेगी, तो यहां पर क्या होनी चाहिए? एक्सेलेरेशन नहीं, यहां पर क्या होनी चाहिए? रिटार्डेशन होनी चाहिए, रुकना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो फिर एक रूल बना लो, आप ये जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर आपकी फोर्स एक्सेलरेटिंग है, स्पीड बढ़ाती है, तो फिर तो फोर्स को पुट करो पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये रिटार्डिंग फोर्स है, तो यहां पर एफ को क्या पुट करें? नेगेटिव, ताकि ए ऑटोमेटिकली क्या आए? नेगेटिव। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? एक्सेलरेटिंग फोर्स जो वेलोसिटी बढ़ाती है पॉजिटिव, और रिटार्डिंग फोर्स जो वेलोसिटी को घटाती है वो नेगेटिव। तो ए की वैल्यू आ गई, तो 0 इज इक्वल टू 15, ए की जगह वैल्यू पुट कर दें माइनस 5/2 इंटू टाइम टी, तो सॉल्व कर लें, टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? 6 सेकेंड। मेथड समझ में आ रहा है सबको कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक, कोई डाउट इसमें? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, सही है। तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव पुट करके v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t। क्वेश्चन बोलो नेक्स्ट। जैसे मर्जी बना लो, हाँ जैसे मर्जी बना लो। देखो क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट फोर्स है, और ये कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है 3 kg मास पे, ताकि स्पीड 2 से 3.5 हो जाए। शीट्स ले लो जिसके पास नहीं है, प्लीज प्रिंट आउट। तो ये 3 kg का ऑब्जेक्ट है, और इसकी स्पीड इनिशियली है कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। से इसकी स्पीड कितनी हो जाए? 3.5 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में? इन टाइम 25 सेकेंड। ऐसे मुझे एक बात बताओ, क्या जादू है कोई यहाँ पे कि अपने आप स्पीड बढ़ जाती है? ऐसा भी होता है कभी साइंस में? नहीं होता। तो फिर क्या हुआ होगा ऐसा? नहीं, एक्सेलेरेशन क्या जादू है अपने आप पैदा हो जाती है? मैं तो नहीं भाग रहा, फोर्स। तो यानी कि किसी ने तो क्या लगाई? फोर्स। राइट लगाई कि लेफ्ट लगाई? क्यों लगाई राइट? वेलोसिटी बढ़ रही है तो राइट फोर्स लगी होगी एफ। तो किसी ने एफ फोर्स लगा के वेलोसिटी को बढ़ा दिया 25 सेकंड में, और वो कह भी रहे द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, मतलब डायरेक्शन सेम है, ऐसे ही है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो सबसे पहले ये यू है, ये वी है, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो 3.5 इज इक्वल टू 2 प्लस ए इंटू टाइम की जगह 25। तो ए की वैल्यू सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगी। इस ए को उठा के आप एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए में पुट कर लेना। मास की वैल्यू 3 है और एक्सेलेरेशन 1.5 अपॉन 25 न्यूटन इज द आंसर। सॉल्व कर लेना। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है? क्लियर है?
मेथड समझ में आ रहा है, यू पता है, वी पता है, ए निकल गया, एफ इज एम ए से एफ निकल गया, डायरेक्शन भी निकालनी है, ओके डायरेक्शन बोलो फोर्स की कहाँ होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, राइट लेफ्ट मत बोलना, क्या पता कोई स्टूडेंट इधर को मूव करवा रहा हो, फिर लाइफ राइट और लेफ्ट ना बोले, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है यहां तक, ठीक, हाँ डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बॉडी जिसका मास 5 kg है और ये दो परपेंडिकुलर फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रही हैं, एक 8 newton और एक 6 newton, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। अब पहले ये बताओ, दो फोर्सेस इकट्ठी काम कर रही हैं तो इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 10, क्योंकि अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 8 का square plus 6 का square, तो नेट फोर्स की वैल्यू यहां पर आएगी 10 newton फोर्स है, समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन फोर्स का कम और पैरेललोग्राम वेक्टर का ज्यादा है, तो नेट फोर्स आ गई। अब जो नेट फोर्स होती है वो क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10, मास कितना है 5, एक्सेलरेशन है ए, ए की वैल्यू 2 meters per second square, एक आंसर। दूसरा, आपको क्योंकि एक्सेलरेशन निकालनी है और साथ में डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए याद करो वेक्टर में हम क्या बनाया करते थे, यहां पर एंगल बीटा, तो इस ट्राइंगल में टेन ऑफ बीटा क्या होगा, टेन बीटा विल बी इक्वल टू दिस साइड, अगर ये 6 newton है तो ये भी 6 newton है और ये 8 newton है, तो 6 divided by 8 यानी कि 3 divided by 4, तो बीटा को लिख देना टेन इनवर्स 3/4, या तो ऐसे लिख दो, और अगर याद है टेन बीटा 3/4 कब होता था, 37, 36 ठीक नहीं है, 37 होना चाहिए, 37 डिग्री पे ये वैल्यू 3/4 आती है, मैंने लिखवाई भी थी शायद रेशियो इसकी, तो 37 का एंगल जो है वो स्पेशल है, वो 3, 4, 5 की साइड बनाता है, नहीं तो टैन इनवर्स में छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरत, उसने बोला नेट एक्सेलरेशन तो मैंने ऐड करके नेट निकाल दी, तुम कह रहे हो वापस एक्स और वाई में बनाओ, अच्छा ऐसा हो सकता है आप एक्स की एक्सेलरेशन अगर पूछी जाती तो इस फोर्स को 5 से डिवाइड कर देते, वाई की पूछी जाती इसको इससे डिवाइड कर देते, फिर नेट निकाल लो, बात में की है, तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ऐसे अपने ऐसे, अब ठीक है कौन था, हाँ जी ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन तो फोर्स का लग भी नहीं रहा, फोर्स है कहाँ, ये तो वेक्टर है, और वेक्टर हमने तो बहुत कर लिए थे, अगर आपको याद हो, कोई कम नहीं किए, इतने तो यूज़ भी नहीं होते, मैं हमेशा बोलता आया वेक्टर यूज़ होंगे, वेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट, अरे वेक्टर यूज़ होंगे, बट आपने देख लिया कि किया ज़्यादा था और यूज़ होने वाला कॉम्पोनेंट उतना नहीं है, ताकि वेक्टर से पूरा डर निकल जाए और छोटे मोटे क्वेश्चन छोटे मोटे लगे, नहीं तो अगर थोड़ा करवाओ तो ये भी लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया, बोलो। हाँ हमें नहीं मालूम कि 8 नीचे है या 6 ऊपर है, मैंने खुद एज्यूम किया, अब गिवन नहीं है तो कुछ तो एज्यूम करना था, तो टैन इनवर्स का डायरेक्शन बता देगा ना, कि ये जो एंगल है लिखना पड़ेगा, ये एंगल विद 8 newton है, लिखना पड़ेगा, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, सब्जेक्टिवली कुछ भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव के अंदर तो गिवन होना चाहिए था, ठीक है। फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक बॉडी जिसका मास कितना है 0.25 kg और वो कैसे मूव कर रही है 12 मीटर पर सेकंड के साथ, और स्टॉप का मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या 0, और फोर्स ऑफ 0.6 newton ने स्टॉप किया, तो बोलो 0.6 राइट एक्ट कर रही है कि लेफ्ट, क्यों लेफ्ट, स्टॉप है ना, रिटार्डिंग फोर्स ही होगी तभी रोक रही है ये, तो इसकी फोर्स को कहां होना पड़ेगा, इस तरफ होना पड़ेगा 0.6 newton की फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, इंपल्स ऑफ फोर्स निकाला जाए, इंपल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम,
इम्पल्स इज फोर्स इंटू टाइम, फोर्स क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये बताओ ये एक्सेलरेटिंग फोर्स है या ये रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग है तो फिर क्या लगेगा माइनस 0.6, 0.25 इंटू ए, तो रिटार्डेशन की वैल्यू आएगी माइनस 0.6 अपॉन 0.25 ऐसे, ये ए की वैल्यू आएगी। तो यहां पर इंपल्स की वैल्यू आएगी मास कितना है 0.25, रिटार्डेशन माइनस 0.6 बाय 0.25 इंटू टाइम, टाइम कितना है यहां से आने में, टाइम कितना है निकालना पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो 0 इज इक्वल टू यू कितना है 12 प्लस a कितना है, a तो निकालना हुआ रिटार्डेशन है, माइनस 0.6 अपॉन 0.25 इंटू टी, हाँ बोलो टाइम कितना आ रहा है 5, तो इस टाइम को यहां पुट करना पड़ेगा आंसर। और इंपल्स नेगेटिव आएगी, इंपल्स नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि फोर्स नेगेटिव है। तो याद रखना इंपल्स पॉजिटिव का मतलब है फोर्स एक्सेलरेटिंग है, यानी कि स्पीड बढ़ रही है, और इंपल्स नेगेटिव का मतलब स्पीड घट रही है, कम हो रही है। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है एक्सेलरेशन है, इंपल्स पॉजिटिव है, स्पीड घट रही है रिटार्डेशन है, इंपल्स नेगेटिव है। और अगर माइनस है, अब बिल्कुल टेंशन ना लें, इसको ऐसे जाने दें, माइनस लगाना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव इंपल्स बोलना है। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन सेकेंड, फोर्स इंटू टाइम, न्यूटन सेकेंड। मेरे को तो ऐसा फील आ रहा है कि मैंने क्वेश्चन का मेथड बहुत लंबा कर दिया, ये तो एक लाइन में हो सकता था, कोई बता सकता है कैसे, नहीं मुझे लग रहा है कैसे, इसको इतना करने की जरूरत क्या थी, गलत नहीं किया ठीक किया है, कैसे एक सेकेंड में, कैसे नहीं एक भी नहीं, यार मेरे से तीन नंबर भी ले गए और फायदा भी नहीं हुआ। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, P2 - P1, तुम इंपल्स फोर्स इनटू टाइम से निकाल रहे हो, और दूसरा तरीका क्या था, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय P2 - बोलो P2 की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे आ गई, मोमेंटम फाइनल 0, और इनिशियल कितना है मास इनटू, तो लो फिर मास इनटू वेलोसिटी, खत्म हो गया, वो अलग बात है, फिर वो काइनेमेटिक से निकलेगा, इंपल्स की बात हो रही है, इंपल्स तो कम से कम छोटे तरीके से निकल ही सकता था, ठीक है सही है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही बेटर है, अब फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम ही माइनस कर दो इंपल्स आ जाएगा, हाँ भूल गए तो कोई बात नहीं, फोर्स इनटू टाइम तो आपका साथ दे ही रहे, थोड़ा एक स्टेप फालतू कर लेना, पर कैलकुलेशन काफ़ी बचती है m इंटू वी से, नहीं आएगा ये, हाँ तो नेगेटिव इंपल्स तो यहाँ भी नेगेटिव है भाई, a नेगेटिव है ना, तो इंपल्स तो यहाँ भी नेगेटिव, इंपल्स वहाँ भी नेगेटिव, टेंशन में तब होती है जब दोनों पॉजिटिव आ जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता, फिर मैं आंसर क्या देता, इसमें तो ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक है। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, वो कौन से होते, हाँ देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि एक हैमर है, एक हैमर है और जिसका मास कितना है 1 kg है, और वो कैसे मूव कर रहा है 10 m/s से मूव कर रहा है, स्ट्राइक द हेड ऑफ द नेल, बिल्कुल ये नेल है, बिल्कुल नेल के बिल्कुल हेड पे जाके इसे हिट करता है। अब नेल भी क्या करती, नेल को साथ चलना पड़ेगा, तो नेल की स्पीड भी एग्जैक्टली क्या हो गई 10 m/s, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, तो ये हैमर से हिट कर रहे हैं, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, सही है यहाँ तक। और देखो नॉर्मली आप देखते हैं हथौड़ा मार दिया, आप स्लो मोशन में देखिए ना, ये आया हथौड़ा नेल पे लगा, जब तक देखो नेल कोई दीवार में जानी है, कोई नेल कोई फ्रिक्शनलेस बॉडी थोड़ी ना कि आपने लगा के हथौड़ा छोड़ दिया और नेल अपने अंदर जाती जा रही है, हथौड़ा छोड़ के आएगा,
तो जब जब वो इसको कॉन्टैक्ट लूज कर देगा तो नेल वहीं रुक जाएगी, राइट। तो जब तक ये हैमर लग रहा है, नेल अंदर जा रही है, और फाइनली नेल किस पे आ गई, एट रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी नेल की क्या हो गई, जीरो। ठीक है यहाँ तक? तो ये नेल की वेलोसिटी जीरो हो गई, और कितने सेंटीमीटर नेल गई, 0.10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, 0.10 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि मास ऑफ द नेल को तो छोड़ ही दो, सिर्फ हैमर का मास है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इंपैक्ट क्या होगा? अब तुम्हें नेल का वी पता है, यू पता है, एस पता है, तो इक्वेशन क्या लगेगी नेल के लिए? नेल के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। तो 0 स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 2 into a into s कितने, 0.10। तो a कितना आ गया, यही आ रहा है। देखो मैंने सॉल्व नहीं किया, तो सुबह के बैच का आंसर याद है, ऐसे ही बोल रहे थे कुछ, ऐसे ही क्या? ठीक है, मैंने नहीं सॉल्व किया, नहीं सोचो कि मैं बहुत कैलकुलेशन फास्ट, बिल्कुल फास्ट नहीं हूँ मैं, तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। सही है, ठीक है, तो आंसर ए आ गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द इंपैक्ट। फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी साथ में ही, नेल के लिए, नेल के लिए जब तक नेल अंदर जा रही है तब तक हैमर इंपैक्ट मार रहा है, तो अप्लाई करो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो 0 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्सलरेशन कितनी है, -500 इंटू टी। तो टाइम आ जाएगा कितना, आ गया 1/50। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? टाइम आ गया, एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन आ गई, टाइम आ गया, कोई डाउट इसमें? अब लास्ट है इंपल्स। अब एक स्टूडेंट बोला कि इंपल्स मैं निकालूंगा, मैं कैसे निकालेगा, कहता जी चेंज ऑफ मोमेंटम निकालूंगा। हाँ तो निकाल लो चेंज ऑफ मोमेंटम। जब नेल को देखा, नेल का मास ही नहीं है, उसने कहा नेल मासलेस है, तो आंसर क्या निकालेगा, जीरो। तो इंपल्स कहाँ से आया, इंपल्स किसने दिया, हैमर ने। तो इंपल्स किसका निकलेगा, हैमर का, हैमर का मास गिवन है। तो आप हैमर के साथ कैलकुलेशन करें, दो तरीके हैं, हैमर का फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दें, या सिंपली एक काम करें इंपल्स का फॉर्मूला लगाएं, फोर्स इंटू टाइम, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। हैमर का मास है 1 kg, रिटार्डेशन कितनी है, -500, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 1/50। ये सॉल्व कर लें, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का मतलब न्यूटन, टाइम का मतलब सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। आंसर, इंपल्स नेगेटिव क्यों है, क्योंकि नेल की स्पीड घट रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, हैमर भी रुक रहा है, नेल भी रुक रही है, इंपल्स नेगेटिव है, और अगर बढ़ रही होती स्पीड तो इंपल्स पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? एक हैमर है, उसने नेल को हिट किया, नेल के साथ साथ हैमर अंदर जा रहा है, तो नेल रुक गई 10 सेंटीमीटर में, नेल रुक गई, तो नेल की रिटार्डेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। आंसर, कितने टाइम में रुकी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इंपल्स क्या है, हैमर ने दिया जो फोर्स इंटू टाइम, मास पता है, रिटार्डेशन नेल की और हैमर की सेम है ए, टाइम हमें पता है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, सही है, ठीक है। देखो ये होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, इजी है, ये भी होमवर्क है सेम। इसके अंदर ना ये सारे क्वेश्चन आपने घर से करके आने हैं जो बचे हुए हैं, सो दैट हमने आप खुद ट्राई करें एक बार। तो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, जो हमने लास्ट टाइम थ्योरी की थी वो लिक्विड बाहर निकल रहा है पाइप में से, और आज के जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर है, कि नेक्स्ट टाइम डिस्कस होने हैं, एक बार आप पहले ट्राई करें। आज वो डिस्कस होना है जो आपसे होना नहीं है, जो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस डाउन भी कर सकता है, तो वो मैं करवाऊंगा, सो दैट आप एक लेक्चर का पूरा बेनिफिट हो, ये तो आप कर सकते हैं। तो ये आप होमवर्क ट्राई करें,